लखनऊ में यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल से जी मीडिया ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने अखिलेश के एसटीएफ वाले पोस्ट और मायावती की बैठक और कांग्रेस सपा के गठबंधन से जुड़े सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। आइए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस और सपा की जो राहें हैं वो जुदा होती नजर आ रही हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी 10 जो विधानसभा सीटें जिन पर उपचुनाव होना है उस पर प्रभारी घोषित कर दिया, सम्मेलन की तारीख तय हो गई, अजय राय ने खुद कमान एक सीट पर संभाल ली, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? अभी तो केवल प्रभारी घोषित किए हैं, ये अलग अलग चुनाव भी लड़वाएंगे। ये बेमेल गठबंधन है, ये भानुमति का कुनबा है, ये एक हो ही नहीं सकता। लोकसभा का चुनाव उन्होंने मिलकर के लड़ा, फिर अलग अलग सुर लोगों के हैं, अखिलेश यादव अलग बोल रहे हैं, राहुल गांधी अलग बोल रहे हैं, क्योंकि सिद्धांतों की न सिद्धांत उनके पास है न सिद्धांत उनके पास है। जब टकराव आपस में होता है, हितों का टकराव जब होता है, जब आपस की एक अहम लोगों में टकराते हैं, तो ये एक साथ हो ही नहीं सकते। और आप जानिए अभी तो मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी उनसे बात करते हैं। सवाल है कि बसपा भी लगातार जो है बैठक कर रही है उपचुनाव को लेकर, आज भी जो है एक बड़ी बैठक बसपा ने की है, तो आकाश आनंद को एक बार फिर से जो है उत्तर प्रदेश में तेजी से लाने की कोशिश की जा रही है, कैसे देख रहे हैं? मायावती जी करें तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी भी पार्टी है और आकाश आनंद को पहले लाई थी, फिर उन्होंने हटाया, तो ये उनका इंटरनल मामला है। और मायावती से करें तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। पर यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी उनसे बात करते हैं। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि एसटीएफ में जो तैनाती हुई है उसमें पीडीए के 2 अधिकारी जाति में बांट रहे हैं और आंकड़े जो बता रहे हैं वो केवल 2 के। देखिए अखिलेश यादव जी स्वयं मुख्यमंत्री रहे हैं और इस प्रकार से अधिकारियों को जाति में बांटना ये बहुत ही निंदनीय भी है, शासन की व्यवस्था के विपरीत भी है और सामाजिक ताने बाने को खराब करने वाला भी है। तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना ट्वीट उन्होंने किया है। अगर जाति में अधिकारियों को बांटेंगे तो अधिकारी तो किसी किसी जाति के होंगे, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके अंदर उनके समाज के भी, उनके वो समाज उनका नहीं है, वो सबका